एवरीवन, आज हम जून 2018 मैथमेटिकल फिजिक्स का नंबर वन क्वेश्चन देखेंगे, जो सीएसआईआर नेट जून 2018 का क्वेश्चन था. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बाय, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दैट इज डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस वन बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो. So also given some boundary conditions, that is x of when t equals to 0, x is equal to 0, and when t is equal to 1, x is equal to 1. So हमें पूछा है कि when t is equal to 2, so x का value कितना होगा, and these are the options given. तो देखो यहाँ इसका जो solution होगा, first of all इस वाले जो given हमें इक्वेशन गिवेन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो, वन बाई एक्स डी बाई डी टी ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी, राइट? क्योंकि अगर देखो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो वन बाई एक्स, और इसका अगर हम एक्स को कंस्टेंट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस सिमिलरली कीपिंग डी एक्स बाई डी टी कॉन्स्टेंट, एक्स का क्या होगा, सेम होगा, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा. फिर एक वन बाई एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो फिर से वही टर्म मिल जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, है ना? ओके, तो ये हो गया. उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, तो इसके बाद दिस पार्ट ये वाला आ गया आपका वन बाई एक्स इंटू डी बाई डी टी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी. सो नाउ हम क्या करेंगे, पूरे टर्म में एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग बाई एक्स. सो यहाँ पे हम एक्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा, राइट? तो ये आपका बन गया क्या, डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी, राइट? ओके, उसके बाद देखो उसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सेम टर्म प्रेजेंट है, एक्स डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर भी एक्स डी एक्स बाई डी टी प्रेजेंट है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पर y पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी टी माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. नेक्स्ट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई. उसके बाद हम क्या करेंगे, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉन वाई, राइट? उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी टी वो क्या होगा, टी होगा प्लस सम कॉन्स्टेंट, दैट इज लॉन सी वन. तो यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर देती हूँ. देखो लॉन वाई माइनस क्या हो जाएगा, लॉन सी वन इज इक्वल टू टी. सो हमें पता है लॉन ए माइनस लॉन बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉन ए बाई बी वाई बाई सी वन इज इक्वल टू टी, है ना? दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बाई सी वन इज इक्वल टू ई टू द पावर टी हो जाएगा, है ना? तो y इज इक्वल टू सी वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे आ जाएगा. तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, y इक्वल्स टू सी वन ई टू द पावर टी, यहाँ तक हो गया. उसके बाद देखो y हम किसे लिए थे, ये वाला पार्ट को, x dx by dt को, है ना? तो y के जगह पर हम लिख दिए एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर टी, राइट? सो देन बाई इंटीग्रेटिंग वाट वी गेट, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर टी डी टी, एंड दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे. इसका इंटीग्रेशन सी वन कॉन्स्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन, तो क्या दे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर टी प्लस अनदर कॉन्स्टेंट इज सी टू, राइट? उसके बाद देखो उसके बाद क्या होगा, हमको गिवन है क्या बाउंड्री कंडीशंस, ये वाला बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, व्हेन व्हेन
व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। ये वाला बाउंड्री कंडीशन का मतलब ही है वही, जब हम टी के जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस वाले टी के जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देखो तो इक्वेशन क्या बन गया आपका, यहाँ पर आ गया ज़ीरो इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर ज़ीरो प्लस सी टू, राइट। सो ई टू द पावर ज़ीरो सबको पता होगा, समथिंग टू द पावर ई टू द पावर ज़ीरो इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज़ वन। सो ये हो गया आपका सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड वी कैन से सी वन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी टू। अब हम क्या करेंगे, इस वाले कंडीशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर टी माइनस, इसके जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, सी वन लिख सकते हैं, एंड दोनों में से हम क्या कॉमन ले जाएंगे, सी वन कॉमन ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर टी माइनस वन, राइट। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमें गिवेन है एक्स सब वन इज इक्वल टू वन, तो अभी देखो हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पर वन पुट करेंगे, टी के जगह पर क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, तो ये वाला इक्वेशन हमें क्या देखा, देखो एक्स स्क्वायर बाई टू दैट विल बिकम वन बाई टू सी वन इंटू ई टू द पावर वन ई माइनस वन, है ना। तो सी वन का जो वैल्यू आया दैट इज़ वन बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा ई माइनस वन, है ना। सी वन का वैल्यू क्या आया, वन बाई टू इंटू ई माइनस वन, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी वन, एंड सी टू का वैल्यू क्या होगा उसका, नेगेटिव। सो सी टू इज माइनस ऑफ वन बाई टू ई माइनस वन। देखो तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन वन था, देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन वन हमें यहाँ पर गिवेन था जो हमने निकाला, ये वाला इक्वेशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी वन का वैल्यू सी टू का वैल्यू दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर हमने सी वन का वैल्यू लिख दिया इंटू ई टी माइनस, यहाँ पर आ गया सी टू का वैल्यू, राइट। तो हमें क्या पूछा है, व्हेन टी इज इक्वल टू टू, यानी कि हम इस वाले टी के जगह पर टू पुट करेंगे तभी एक्स का वैल्यू क्या होगा, हमें यही पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ई, यहाँ पर टी के जगह पर क्या आ गया, टू आ गया, डिवाइडेड बाई टू इंटू ई माइनस वन माइनस वन बाई टू इंटू ई माइनस वन। इसको हम सॉल्व कर देंगे, देखो यहाँ पर एलसीएम आपका क्या आ गया, यहाँ पर टू आएगा ना, टू इंटू ई माइनस वन, ऊपर क्या आ गया, ई स्क्वायर माइनस वन, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो ई स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ई प्लस वन इंटू ई माइनस वन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपका क्या है, टू इंटू ई माइनस वन, राइट। तो यहाँ पे देखो ई माइनस वन ई माइनस वन क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या रहा, ई प्लस वन बाई टू, ओके। तो देखो यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी टू था ना, तो ये वाला टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सो ये वाला टू कट गया, राइट। उसके बाद देखो तो हम जब तो ये वाला हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला ई प्लस वन, तो हमें पूछा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, ई प्लस वन का रूट ऑवर। सो दिस इज़ द आंसर जो कि हमें कौन सा ऑप्शन में गिवेन था, इन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ राइट, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू।